వివాహ సందర్భంలో ఒక పక్కన ఉన్న కోల్సర్ లో ఒక గ్యాస్ పైప్ లీక్ అనేది పక్కన కోల్సర్ సంబంధించిన గ్యాస్ లీక్ అవడం వల్ల అక్కడ ఉన్న పెళ్లికి వచ్చిన కొంతమంది ఉన్న ప్రజలు కొంతమంది అస్వస్థ పాలైనారు. వాళ్ళు వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న బాగుబల చాలా బాగుబల ఆసుపత్రి తరలించడం జరిగింది. ఇవాళ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళ ప్రస్తుతం బాగా సరిగ్గా ఉంది. आज 12 बजे में आज जनों को और दस 15 जनों को चंद्रगुट्ट बाबा रास्ते में एडमिट किया. उन लोगों का अभी तबीयत ठीक है, उनका अभी क्या ट्रीटमेंट चल रहा है. अभी कितने आदमी सीरियस है सर? अभी सीरियस कोई भी नहीं है, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा. सब लोगों का एक छोटा बच्चे का दूसरा को लेके गया, छोटा बच्चे का, इसलिए उनका तबियत छोटा ठीक नहीं है. कोल्ड स्टोरेज एक्शन लेंगे, 80 इयर्स के एक्शन जरूर लेंगे. थैंक यू. आज रात 12 बजे रामगुंडा एनजीए गार्डन के पास से एक इन्फॉर्मेशन आया कि वहां पर कुछ गैस लीक होने की वजह से वहां पे 25 से 30 आदमी कुछ इसमें बेहोश हुए. बल्कि इन्फॉर्मेशन आते ही हम फौरन वहां पर पहुंचे. पहुंच कर देखे तो वहां पर बाजू जो कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज का में से जो गैस लीक हुआ था, गैस लीक होने से वहां फंक्शन चल रहा था. तो फंक्शन में तकरीबन 15 से 20 आदमी जो बेहोश हुए थे, उसमें से चनानगुट्टा बागवान हॉस्पिटल को लाया गया. उसमें से 15 आदमी का ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ट्रीटमेंट हो चुका है और वो लोग खतरे से बाहर है. इसमें से एक छोटी बच्ची जो 3 साल की थी, वो बच्ची को थोड़ा क्रेडिट रहने की वजह से उनको यहाँ से हमारे हॉस्पिटल को शिफ्ट करें. तो बाकाया सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे चीजें जो खतरा हो सकता, जानी नुकसान हो सकता, वो ऐसा बस्तियों में शादी खानों के बाद बस्तियों में नहीं रहना. क्योंकि शादी खाने में 12 बजे के बाद होने की वजह से इतना कम प्रॉब्लम हुआ. अगर यही अगर 10:30-11 बजे के टाइम होता तो सवों की तादाद में वहां पर प्रॉब्लम हो सकता था और जाने भी जा सकती थी. तो हम हुकूमत से यही मतलब कर रहे हैं कि यहां पर फौरन वो कोल्ड स्टोरेज बंद होना और वो एक्शन लेना कोल्ड स्टोरेज के मालिक पर और वो शादी खाने के मालिक पर भी एक्शन लेना. क्योंकि ऐसे जगहों पे उन्होंने शादी खाना चला रहे हैं, इससे जानी नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर, पाजा खादरी साहब की हिदायत पर हम फौरन वहां पर पहुंचकर हमारे पूरे लीडर्स वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती के लोग और वहां पर एमआईएम टीआरएस कांग्रेस तकरीबन पूरे लीडर्स वहां पर पहुंचकर यहां पर तकरीबन बहुत मदद करे और यहाँ बागवान हॉस्पिटल को भी आकर यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है देख रहे, डॉक्टर्स से बात करे. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अभी प्रॉब्लम उतना नहीं है. हमारे पुलिस से भी शुक्रिया अदा करते हैं, फौरन आकर यहाँ पर बहुत कॉपरेट करें. और हम हुकूमत से फिर एक बार अदबन गुजारिश करते हैं कि ऐसी चीजें बस्ती से दूर रखा करें और इसको फौरन से फौरन इसको बैन करके शीश कर उसको बंद कर दें.